हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में खरगोश पालन, रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं या फिर घर में पाल रखे हैं उन भाई लोगों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, काम का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दिया करो। तो एक मेल रैबिट फीमेल रैबिट है, उसको मेटिंग करवाने का जो सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से कराए, ये फ्रेंड्स हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे कि कितनी उम्र में कराए, कब मेच्योर होता है रैबिट, फीमेल रैबिट, मेल रैबिट मेटिंग के, वो सब वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। लेकिन मेटिंग करवाने का तरीका, तो फ्रेंड्स कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि मेटिंग इनको पकड़ के करवानी चाहिए या फिर केज में बंद करके करवानी चाहिए या खुले में छोड़ दे उस तरीके से। देखो फ्रेंड्स, पहले बात तो अपने को कुछ नहीं करना था, रैबिट का ये नेचुरल है कि वो अपने आप, जब भी फीमेल रैबिट हीट पे होगी, मेल रैबिट साथ में है, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से मेटिंग कर लेगी और प्रेग्नेंट हो जाएगी। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर कोई फीमेल रैबिट ज़्यादा हेल्थी है, अगर थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो आप उसको केज में डाल के और मेल रैबिट को भी साथ में करके उस तरीके से, फिर भी आपको पकड़ना नहीं है रैबिट को, इस तरीके से पकड़ना नहीं है जैसे और गाय भैंस में अगर आप थोड़ा उनकी हेल्प करते हो लेकिन नहीं करे फिर भी, और आप खुले में छोड़ देते हो उस समय मेटिंग हो जाती है। फिर भी अगर लास्ट ऑप्शन यही है कि आप फीमेल रैबिट को इस तरीके से यहाँ से पकड़ के और पकड़ ले, जिससे मेल रैबिट को आराम से थोड़ी उसकी हेल्प हो जाएगी मेटिंग करने में, तो आप इस तरीके से करते हैं। बाकी 100 में से 99% आप जब भी फीमेल रैबिट हीट पे होगी, ऑटोमेटिक अपनी पूंछ ऊपर कर लेती है और वो अपने आप मेटिंग कर लेंगे, तो आपको पकड़ के मेटिंग करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो 1% चांसेस है कि अगर फीमेल रैबिट ज़्यादा अग्रेसिव है, मेटिंग हो नहीं पा रही प्रॉपर, तब आप उसकी हेल्प कर सकते हैं।